वैसे सुनीता राजभर से एक खास मुलाकात तो बनती है, देखिए ना, ये गुल्लक में बिट्टू की मम्मी के रूप में नजर आई थी और जल्द ही क्रांति लाने वाली है पंचायत के दूसरे सीजन में। तो चलिए एक खास मुलाकात इनके साथ। सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वालों सुनो। अरे हम बिट्टू की मम्मी आने वाली थी, दरअसल हमने तैयार हो रहे थे और वो बिट्टू ना प्रोटेक्टर लेके चला गया, तो आईब्रो कैसे नापते? आपको क्या लगता है कि आप प्रधान हैं तो आप कुछ भी करेंगे? ए पिंटू के पापा, चलो शादी का टेंट भी लाना है। आपको नहीं पता क्रांति देवी किसी की बात नहीं सुनती है, जो होता है ना मुंह पे बोल देती है, दिल की एकदम साफ है। वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ बोली है, लेकिन बावजूद इसके अलबेली है। किसी दुनिया में कहलाती है बिट्टू की मम्मी तो किसी दुनिया में कहलाती है क्रांति। लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हर जगह सिर्फ इन्हीं का नाम गूंज रहा है, चाहे बिट्टू की मम्मी हो या फिर क्रांति। इनका असली नाम आप सभी को पता होगा, सुनीता राजवर। और आज SBS ओरिजिनल्स में जब सुनीता क्रांति को बिट्टू की मम्मी से मिलवाएंगी तो खूब मजा भी आएगा और थोड़ी बहुत शिकायतें भी होंगी। तो चलिए जल्दी से आपको मिलवाते हैं बिट्टू की मम्मी, नहीं नहीं क्रांति जी, नहीं नहीं सुनीता राजवर से। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कौन है, हमारे साथ है सुनीता मैम। वेलकम टू SBS ओरिजिनल सुनीता मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा क्रांति नाम है शो में, तो क्रांति फैलाना तो बनता ही है। सुनीता मैम कुछ हो जाए क्रांति के स्टाइल में। आपको क्या लगता है कि आप प्रधान हैं तो आप कुछ भी करेंगे? सड़क तो बनवा दीजिए पहले। सड़क नहीं बनवाई है ना आपने, हमारी पूरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, हमारी कमर लचक गई है। हम देखते हैं आप कैसे अगला चुनाव जीतते हैं जी। अच्छा मैंने ट्रेलर में देखा आपको कहीं जाकर किसी का जूता या कुछ तो पड़ा था, वो असली में पड़ा था? हाँ सच में, और क्या, बिल्कुल पड़ा था। क्या करते अभी एक्टर को ये सब तो करना पड़ता है, पर अच्छी तरह रिहर्सल होती है, रिहर्सल में चप्पल नहीं फेंकी जाती है। हाँ लेकिन अब अगर वो सीन की डिमांड है तो एक चप्पल तो खाई हमने, एक दो खाई है। सॉरी दो बार हो गया, इसका भी हिसाब होगा। किसी को मारने का भी मन हुआ होगा? अरे पूछो मत, वो जो एडी बार बार चप्पल फेंक रहा था ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एज एन एक्टर यू अंडरस्टैंड कि वो डिमांड है सीन की, तो वो करना पड़ता है। अच्छा थोड़ा गुल्लक की भी बात करूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है गुल्लक को, तीनों सीजन्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बिट्टू की मम्मी जो हैं उनके साथ आपका रिलेशन, मतलब हाउ डू यू रिलेट टू बिट्टू की मम्मी? बिट्टू की मम्मी एक्चुअली अब मेरा बड़ा, मतलब मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन गई है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने जो प्यार दिया है एज एन आर्टिस्ट वो बिट्टू की मम्मी के किरदार में ही दिया है। मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ या मैं अभी कोई भी काम करती हूँ ना, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो यंग हैं या कोई AD है या DOP है, हर कोई ये कहता है मेरे घर में सबको बिट्टू की मम्मी पसंद है, मेरी माँ को बिट्टू की मम्मी पसंद है, मेरी दादी को बिट्टू की मम्मी पसंद है। अच्छा मैम ने बता दिया उनके पिटारे में बहुत कुछ है। आज SBS ओरिजिनल्स उनसे मिलने आया तो हमारे पास भी एक पिटारा है, आइए उसमें देखते हैं उसमें है क्या। तो है क्या इसमें पहले तो? अरे वाह 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 वाह, इसमें है ये भोंपू बोलते हैं हमारे गाँव में, जिसमें जो है माइक लगाया जाता है जिससे दूर दूर तक लोगों तक बात पहुंचे, और जो है दूर दूर तक लोगों तक बात पहुंचे और सब हमारी बात सुने और फिर उसका हल निकालें। सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वालों सुनो, सड़कें नहीं बनी है, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, हमारे गांव में बिजली चली जाती है बार बार, हमें बिजली चाहिए, और हमारे यहाँ चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं है तो हमें गैस पाइपलाइन चाहिए। पता नहीं ये प्रधान जी ये सब करेंगे नहीं करेंगे, लगता है कोई दूसरा प्रधान बनाना पड़ेगा। हाँ आपको नहीं पता क्रांति देवी आ रही है पंचायत में, अब देखना ये जो प्रधान और उनकी घरवाली है ना अपनी मन की चलाती हैं, लौकी दे दे के सचिव को अपने सारे काम करवाती हैं और छुपाती हैं, छुपाते हैं ये लोग कि इन्होंने बहुत काम करा लिया, जब बाहर से आती है MDO मैडम तो देखना अब हम इनकी पोल खोल देंगे। प्रधान जी सुनो 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 भाई वाह। तो चलिए अब बिट्टू की मम्मी की भी शिकायत सुन लेते हैं।
हमारे बिट्टू के पापा को जो गाड़ी मिली थी ना, वो पंडित जी ने हाथ देख के बोला था, वो अभी तक नहीं आई है हमारे घर में। और सच बात बताएं तो हमारे घर के आसपास की गलियां भी बहुत गंदी हैं, उतनी हमारी बड़ी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। हमें तो लग रहा है अपने भाई के घर में ये गाड़ी रखनी पड़ेगी। अन्नू की मम्मी, आपको मालूम है हमने घर की मरम्मत शुरू कर दी है, अब आप अपना सामान हटा लीजिएगा हमारी छत से। हाँ, और हमारे जो बिट्टू के पापा है ना, वो बड़े वाले मेडिकल के उसमें काम करते हैं, स्टोर में, आपके बेटे की मदद कर सकते हैं वो। सुन रही हैं अन्नू की मम्मी, आपको नहीं पता बिट्टू की मम्मी की दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने आप में खुश है। हाँ, वो पड़ोसियों के बारे में बोलती है, वो सबकी खबर रखती है, पर बिट्टू की मम्मी बहुत खुश है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों अन्नू की मम्मी, सही कह रहे हैं ना? आपने मेंशन किया आप आगे भी बहुत सारी सीरीज कर रही हैं, शूट कर रही हैं, तो मैं जानना ही चाहूंगी मैम, और क्या क्या पिटारे में है आप? सच बात बताऊं तो एक सीरीज की मैं पूरी शूट कर चुकी हूं, मुझे नहीं पता, शायद अभी उसका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, पर एक वो भी कॉमेडी है, एक वो लंबी सीरीज है, उसके अलावा मैं एक सीरीज जिसकी अभी वर्कशॉप्स कर रही हूं, दैट इज़ अ सीरियस वन, और एक मैंने फिल्म भी करी है बहुत अच्छी, उसका क्योंकि उन लोगों ने वो जो है नाम वगैरह डिक्लेयर कर दिया तो मैं बता सकती हूँ, सब मोहमाया है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।